उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अफसर मुकुल गोयल को राज्य के डीजीपी के पद से हटाकर डीजी सिविल डिफेंस के पद पर ट्रांसफर कर दिया। खास बात यह है कि मुकुल गोयल को उस वक्त पद से हटाया गया जब योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार राज्य में बनी है। पिछले साल सीएम योगी आदित्यनाथ मुकुल गोयल को ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लेकर आए थे और चुनाव भी उनके कार्यकाल में हुए और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। महज एक साल के डीजीपी के कार्यकाल में उन्हें इस पद से हटा दिया गया, जिसके बाद ब्यूरोक्रेसी में चर्चा शुरू हो गई। मुकुल गोयल के पास अभी रिटायरमेंट का लंबा समय है और वह 2024 में रिटायर होंगे। ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से मुकुल गोयल की करीबी भी उनके डीजीपी के पद से विदाई का एक बड़ा बना है, जिसके बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान निष्ठा बदलने वाले आईएएस और आईपीएस अफसरों पर सरकार की गाज गिर सकती है। राज्य में मुकुल गोयल को लेकर जितने मुंह जिन बातें चल रही हैं, मुकुल गोयल के डीजीपी के पद से विदाई के बाद आईपीएस वर्ग के अफसर बन सकते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्थिति उलट गई है और राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनी है। जाहिर है कि नौकरशाहों के वोट को इससे बड़ा झटका लगा था। हालांकि पाला बदलने की योजना बनाने वाले कई अफसर अभी भी योगी आदित्यनाथ सरकार में अहम पदों पर बैठे हैं, लेकिन मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाने के बाद ही चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाला बदलने वाले अफसरों में मुकुल गोयल का भी नाम था। इस बात की भी चर्चा है कि सरकार ने अपने स्तर से इस तरफ से अफसर की पहचान की है। आने वाले दिनों में आईएएस और आईपीएस वर्ग में इन अफसरों की विदाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।